हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो हो सकता है, क्योंकि AEW का रोड टू रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है और ये प्रोबेबली कल के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया पेस से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कल के शो के लिए AEW ने काफी बढ़िया बढ़िया चीजें एडवर्टाइज की है, जिन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है और हम जानने वाले है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर मेंस डिवीजन से एक टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर द अक्लेम्ड फर्म क्ली मोरियाटी और बिग बिल को फेस करने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस करंटली तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, पर द क्लेम के AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स हारने के बाद अब तक द क्लेम इस सदमे से उभर नहीं पाए थे, इसीलिए शायद उन्हें दोबारा से टैग टीम चैंपियनशिप पिक्चर के अंदर लाने के लिए AEW कंपनी ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए बुक किया होगा। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब पहली बार बिग बिल और ली मोरियाटी द क्लेम के सामने आते हैं तो क्या ये नॉर्मल टैग टीम की तरह द क्लेम का सामना कर पाते हैं या नहीं, और बिग बिल के साइज के सामने द क्लेम क्या कर पाती है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर द क्लेम ही ये मैच जीतने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि द क्लेम की ये मैच जीतने के बाद क्या यहाँ पर द गन्स आकर द क्लेम को कन्फ्रंट करते हैं या नहीं। पर गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइज, हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखा है कि लास्ट डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज ने अपना एक सरप्राइज रिटर्न कर लिया है और वहां पर क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर दिया था। तो देखना पड़ेगा कि जंगल बॉय के ऊपर इतना तगड़ा अटैक करने के बाद इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर आकर क्रिश्चियन केज क्या कहते हैं और उनके और जंगल बॉय की स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। लेकिन गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर वन कंटेंडर के लिए AEW के सभी टैग टीम्स के बीच में एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइज, एक बैटल रॉयल मैच है जिस मैच के अंदर काफी सारे पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स 2.0, डार्क ऑर्डर, जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी, टॉप फ्लाइट और रिटर्निंग लूचा ब्रोस भी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हमें फाइनली लूचा ब्रोस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और ये टैग टीम बैटल रॉयल मैच है, यानी कि जिस किसी टीम के दोनों ही मेंबर्स टॉप रोप से रिंग के बाहर चले जाएंगे वो टीम इस मैच से एलिमिनेट हो जाएगी और आखिर तक जो टीम रिंग के अंदर रहेगी वो टीम ये मैच जीत जाएगी और उन्हें रेवोल्यूशन पेपरव्यू पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मिल जाएगा। और इस मैच के लिए करंटली AEW ने इतनी टैग टीम्स एडवर्टाइज की है, तो देखना पड़ेगा कि इन सभी टैग टीम्स के बीच में ये बैटल रॉयल मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। पर इस सब के बाद भी अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें लूचा ब्रोस मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका AEW में कमबैक मैच है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि लूचा ब्रोस मैच जीतने वाले है और ये मैच जीतने के बाद उन्हें मिलने वाली है AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टाइटल अपॉर्चुनिटी। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर सराय एक नॉर्मल 1-on-1 मैच के अंदर स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और फिर एक बार अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने ये मैच इस हफ्ते के डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। तो गाइज देखना पड़ेगा कि जब पहली बार यहाँ पर स्काई ब्लू सराया जैसे एक टॉप स्टार के आमने सामने आती है तो क्या स्काई ब्लू सराया के सामने टिक पाती है या नहीं। पर गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब फिर एक बार सराया डायनामाइट शो पर एक 1-on-1 मैच रसल करती है तो यहाँ पर उनकी हालत कैसी होती है और सराया की पॉपुलरिटी का स्काई ब्लू को फायदा मिलता है या नहीं। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से सराया मैच जीतने वाली है। पर देखना पड़ेगा कि सराया के मैच जीतने के बाद क्या यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेम हेटर आकर सराया के ऊपर अटैक करती है या नहीं। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप चैलेंजर व्हीलर यूथा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा है कि सभी सुपरस्टार्स को लग रहा है कि ऑरेंज कैसिडी अपने ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए केयर नहीं करते, इसलिए सभी सुपरस्टार्स ऑरेंज कैसिडी के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के पीछे पड़े हुए है और इनमें उनके पुराने दोस्त यानी कि व्हीलर यूथा भी है, जिन्हें अच्छा लग रहा है कि ऑरेंज कैसिडी को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि अब वो खुद भी एक चैंपियन है
पर विदर युथा ऑरेंज कैसिडी के फॉर्मर फ्रेंड होने के बावजूद यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी विदर युथा के लिए केयर ना के बगैर उनके खिलाफ अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं। इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब दो फॉर्मर फ्रेंड्स बेटर एनिमीज बनकर इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। पर गाइज मुझे नहीं लगता कि इस मैच के अंदर कोई टाइटल चेंज होने वाला है, इसीलिए मेरे हिसाब से ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीतने वाले है और वो ये मैच जीतकर स्टिल रहने वाले है ऑल अटलांटिक चैंपियन। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइज हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनिसन आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले है। तो गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जब MJF ने क्रिस्टोफर डेनिस के ऊपर अटैक किया था तो इसको लेकर ब्रायन इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर सामने आकर MJF से क्या कहते हैं, क्योंकि उनका रेवोल्यूशन पेपर्यू के लिए मैच कंफर्म हुआ है। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस हफ्ते ब्रायन और MJF के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली एक वन ऑन वन मैच के अंदर इविल उनो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइज हमने देखा है कि हैंगमैन एडम पेज और जॉन मॉक्सली इनके स्टोरी लाइन के अंदर डार्क ऑर्डर ने अपने आप को इंसर्ट कर लिया है और यहीं पर डार्क ऑर्डर के इविल उनो ने जॉन मॉक्सली को एक वन ऑन वन मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिस वजह से हमें इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और इविल उनो इनके बीच में एक वन ऑन वन मैच देखने को मिलने वाला है जो कि इस मैच की एक सीधी सी बैक स्टोरी है। पर इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि ये मैच एक कोई नॉर्मल मैच हो सकता है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इविल उनो को कम मत समझिएगा। इविल उनो भी बहुत ही बढ़िया रेसलर है जो कि अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस देते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर इविल उनो और जॉन मॉक्सली एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। और आपका तो पता नहीं लेकिन मैं तो ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता कि मॉक्सली ये मैच हारे, इसीलिए मेरे हिसाब से वही मैच जीतने वाले है और वो ये मैच जीत कर हैंगमैन पेज को दोबारा से पुट डाउन करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ने वाले है। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन पेज और मॉक्सली के बीच में और कुछ होता है या नहीं। पर गाइज इस सब के बाद जो सबसे बड़ी चीज जो कि AEW ने इस हफ्ते के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल अनाउंस की है वो ये है कि हमें इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए गाइज यहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या होती है और यहां पर आकर टोनी खान क्या कहते हैं, क्योंकि गाइज मुझे भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर टोनी खान क्या अनाउंस करने वाले हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से टोनी खान की अनाउंसमेंट क्या हो सकती है। पर इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है और इस सब के अलावा अगर कल के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको कल के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?